दोस्तों जिस दिन आपकी एक वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाए तो यार आपने ये तीन काम लाजमी करने हैं, और इन तीन कामों को करने के बाद आपकी हर वीडियो पर उसी तरह व्यूज आएंगे जिस तरह आपकी उस वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, आपने ध्यान से आज की वीडियो को देखना है। आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको ऐसा तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपके एक वीडियो पर व्यूज आ रहे हैं तो उसी वीडियो से आप लोग अपने पूरे चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपनी सारी वीडियो पर उस वीडियो से व्यूज ला सकते हैं जो आपकी वीडियो वायरल जा रही है। दोस्तों जब आपकी एक वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं तो यार YouTube आपके चैनल को वायरल करने का आपको चांस देता है, और वो चांस बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उस चांस से फायदा उठाते हैं और उसी दिन से अपने चैनल को वायरल कर लेते हैं, और उसके बाद उनकी हर वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो यार ये कौन से ऐसे काम है जिनको आपने अपने चैनल पर यूज करना है, तो इन कामों को करने के बाद भी देखना आपका पूरा चैनल उसी वीडियो से वायरल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको ये काम बताता हूं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ तो यार सब्सक्राइब का बटन आपके सामने है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। तो सबसे पहले नंबर वाला काम आपने करना है कि जिस दिन आपकी एक वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाए तो यार उस दिन से आपने रेगुलर हो जाना है अपने चैनल पर। आपने रोजाना अपने चैनल पर एक फिक्स टाइम रख लेना है और उसी फिक्स टाइम पर आपने डेली अपने वीडियो एक या दो आपने अपलोड करनी है। उस दिन आपने नागे नहीं डालने जिस दिन आपकी एक वीडियो पर व्यूज आना शुरू हो जाए। जी हां दोस्तों, ये बात आपको भी पता होगी कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो को एक बार वॉच कर लेता है तो YouTube अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी उस बंदे के पास भेजता है, अगली वीडियो का थंबनेल भी उस बंदे को दिखाता है। तो आपने क्या करना है कि रेगुलर हो जाना है अपने चैनल पर, और उस तरीके से आपके सारे जो न्यू व्यूअर्स होंगे वो आपके चैनल पर अटैच हो जाएंगे, इस तरह आपके पास एक ऑडियंस बनती जाएगी। तो अब मैं आपको ये दूसरा काम बताता हूं, ये भी आपने लाजमी करना है। जो तीसरे नंबर वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी हर वीडियो वायरल हो सकती है। अब मैं आपको जो दूसरे नंबर वाला काम है वो बताता हूं। अब ये दूसरे नंबर वाला काम क्या है कि आपकी जो भी वीडियो वायरल हो रही है ना, आपने उसी टॉपिक के रिलेटेड आपने वीडियो बनानी है। ये नहीं करना कि आपकी एक वीडियो मिसाल के तौर पर व्लॉगिंग में वायरल हो जाए तो आपने कल कुकिंग में डाल दी तो यार कुकिंग वाली वीडियो कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि आपकी उस वीडियो पर जो थोड़े से व्यूज आए हैं उसको ऑडियंस ने उस वीडियो को पसंद किया है, तो आपने उसी वीडियो के रिलेटेड आपने दूसरा टॉपिक रखना है ताकि आपकी ऑडियंस की पसंदीदा चीज उनको मिले। ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस को व्लॉगिंग पसंद आ गई है, उस पर कुछ ना कुछ व्यूज आ गए हैं, इसका मतलब यही है कि वो वीडियो उनको पसंद आ गई है, तो यार आपने एजुकेशन वाले टॉपिक पर, कुकिंग वाले टॉपिक पर और किसी भी टॉपिक पर आपने वीडियो नहीं बनानी, बस उसी कैटेगरी को लेकर आपने आगे चलना है, और आपका कुछ ही दिनों के बाद आपका चैनल देखना किस तरह से वायरल होता है। तो यार अब मैं आपको तीसरे नंबर वाला काम बताता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर वाला काम है एंड स्क्रीन। दोस्तों मैं आपको अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि यार अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन का यूज किया करो, अपनी वीडियो में एंड स्क्रीन का यूज लाजमी किया करो, क्योंकि उससे ही आपकी वीडियो पर व्यूज आना शुरू होते हैं। अब जिस वीडियो पर आपकी व्यूज आना शुरू हो रहे हैं, जो आपकी वीडियो आहिस्ता आहिस्ता वायरल हो रही है, आपने क्या करना है कि आपकी उस वीडियो की एंड स्क्रीन में चार वीडियो लगानी है। मैक्सिमम आप लोग चार वीडियो लगा सकते हैं, और वो चार वीडियो आपने लगानी है जिनको आपने अभी वायरल करना है। ठीक है, ये काम आपको कोई भी नहीं बताएगा। आपकी जो भी एक वीडियो वायरल हो रही है ना, आपने उस वीडियो की एंड स्क्रीन में क्रोम ब्राउजर में वाइड स्टूडियो को ओपन करके उस वीडियो की एंड स्क्रीन में आपने चार वीडियो लगा देनी है। अगर आप लोग मेरी कोई भी वीडियो देख लो तो यार मैं अपनी हर वीडियो में एंड स्क्रीन का यूज करता हूं। आप लोगों को भी अपनी उस वीडियो में एंड स्क्रीन का यूज करना है जो आपकी वीडियो वायरल जा रही है, तो उसी के थ्रू आपने दूसरी वीडियो पर भी व्यूज लेकर आने हैं। तो अगर आप लोग भी ये वाले तीन चार काम अपने चैनल पर यूज कर लेंगे तो यार मैं ये कहता हूं कि आपके उस वीडियो के थ्रू हो सकता है आपका चैनल वायरल भी हो जाए। और बहुत सारे जो तेज लोग होते हैं ना, और वो अपने चैनल पर उन दिनों में हार्ड वर्क करते हैं और अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेते हैं। तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो को एक लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।